इसराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना लेबनान के हिजबुल्ला के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव ऐतिहासिक रूप से अपने चरम पर है और ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में एक दूसरा युद्ध छिड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम बेहद ही विनाशकारी होंगे। हालांकि इजरायली सेना सिर्फ रक्षात्मक तौर पर हिजबुल्ला के ऊपर हमले कर रही है, वहीं हिजबुल्ला IDF को युद्ध के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है क्योंकि जंग गाजा के भीतर हमास के साथ चल रही है, लेकिन हिजबुल्ला बार बार युद्ध का नया ट्रिगर दबा रहा है। और एक बार फिर से हिजबुल्ला ने लेबनान बॉर्डर से लगी इजरायली चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने एक ही दिन में इजरायली सेना के खिलाफ 6 बड़े हमले किए, लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने IDF के एक लड़ाकू जेट पर बहुत बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि इजरायल का ये जेट दक्षिणी लेबनान की सीमा में मंडरा रहा था, जिसके ऊपर उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल दागी, जिसकी वजह से इजरायली गेट को लेबनानी सीमा से भागना पड़ गया। हिजबुल्ला ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आसमान में एक प्लेन नजर आ रहा है जिस पर एक मिसाइल फायर होती है और मिसाइल फायर होने के तुरंत बाद ये प्लेन वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने भी बयान दिया है। IDF का कहना है कि जेट कभी भी किसी भी गंभीर हमले के जोखिम में नहीं था। हालांकि शुरुआती तौर पर ऐसा मालूम होता है कि लेबनान से इजरायली जेट पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर की गई है और मिसाइल लॉन्च होने के तुरंत बाद एक ड्रोन ने मिसाइल को टेयर तटीय शहर के पास मार गिराया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में अल रमथा साइट पर भी सीधा हमला किया है। इस हमले के बाद अल जोरा में बने IDF के बंकरों पर भी गोला बारूद दागा गया। हिजबुल्ला का कहना है कि इस इलाके में इजरायली सैनिकों पर उसने कत्यूशा रॉकेट्स भी फायर किए हैं और चौबा हिल्स के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने ऑडम चौकी में इजरायल की आर्टिलरी बटालियन के कमांड हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसका ये हमला भी एकदम सटीक रहा है। और इस हमले के बाद दोपहर करीब 12:50 के आसपास हिजबुल्ला के लड़ाकों ने बिरकेट रिशा और गैरिसन चौकियों पर हमला कर दिया। यहां पर हिजबुल्ला ने इसराइल के जासूसी उपकरणों को तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा रुवेसत अल आलम साइट पर भी IDF के जासूसी उपकरणों पर हिजबुल्ला ने हमला किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके ये दोनों ही हमले टारगेट पर एकदम सटीक हुए हैं।